What's up guys, फिर से वापस आ चुका हूं मेरे नए वीडियो के साथ। आज वीडियो में हम बात करेंगे टोटल गेमिंग वर्सेस द कम्युनिटी के बारे में। ये वीडियो को एंड तक देख लो क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों को सच्ची भी लगेगी एंड बहुत कड़वी भी लगेंगी। तो ये वीडियो को जरूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बोला है कि हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर पहुंच रहे हैं जनवरी महीने के खत्म होने से पहले। तो ज्यादा वक्त ज़ाया करते हुए शुरू करना चाहूंगा आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल, जितने भी इस साल टूर्नामेंट्स हुए जो मैंने देखे, ठीक है, उनके नाम वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप जो मैंने खुद कास्ट किया, विलेजर ई-स्पोर्ट मास्टर्स चल रहा है, स्काई ई-स्पोर्ट्स प्रो लीग चल रहा है, ई-स्पोर्ट्स इनविटेशनल सीरीज चल रहा है, फ्री फायर प्रो लीग चल रहा है, ये पांच टूर्नामेंट है। पांच में से चार जगहों पे, एंड इवन मैं पांचों के पांचों में बोलूंगा टोटल गेमिंग का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। WEC जीता उन्होंने, ई-स्पोर्ट्स भी जीता उन्होंने, स्काई ई-स्पोर्ट्स अभी उन्होंने जीता, विलेजर ई-स्पोर्ट्स के मास्टर्स में एक एक दिन में तीन तीन बोझा निकल रहा है, इवन फ्री फायर प्रो लीग जो ऑफिशियल गरीना का इवेंट चल रहा है वहां पे वो फाइनल्स में क्वालिफाई। अब ये टीम अगर हर जगह पे अच्छा खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हर कास्टर हर एनालिस्ट उनके बारे में बात जरूर से करेगा। जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे तब कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा था। ये एक सब जगह का रूल है कि अगर कोई भी टीम अच्छा खेल रहा है, कोई भी टीम अच्छा कर रहा है तो उनके बारे में बातचीत होगी। पिछले साल एक टाइम था जब टू साइड गेमर्स की टीम ने स्नैपड्रैगन जीता था और उसके बाद एक रन पे चल रहे थे, हर एक टूर्नामेंट जीत रहे थे, तो सब THG कर रहे थे। तब तो कोई किसी ने नहीं बोला कि यार ये 30 मिलियन है स्लॉट कैम करके जीत गए हैं। मैं हर वीडियो में आप लोगों को एक ही चीज कह रहा हूं कि ये मत सोचो कि वो टोटल गेमिंग है, ये सोचो कि वो फौजी अजय है, ये सोचो कि वो ड्रेगो है, ये सोचो कि वो माफिया है, ये सोचो कि वो डिलीट है। उन्होंने इंप्रूव किया है यार, वो प्लेयर्स को अप्रिशिएट तो करो। क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब अपने ही बीच क्यों लड़ाइयां चल रही हैं? कम्युनिटी ऐसे ग्रो करोगे आप लोग? हाँ, और आप लोग बोल रहे हो कि अंडरडॉग्स पे एनालिसिस क्यों नहीं आ रहा है। यार अंडरडॉग्स जो है, अंडरडॉग्स को अच्छा खेलना पड़ेगा। KM ब्रदरहुड अच्छा खेल रही है, KM ब्रदरहुड जितना अच्छा किया है उन्होंने वो हाईलाइट ऑलरेडी किया जा चुका है। अब उसको क्या करें, हर वीडियो में KM ब्रदरहुड करते रहे हैं, हर वीडियो में। अब कोई, मैं ऐसे कोई भी टीम का नाम लेकर उनको बुरा नहीं ठहराना चाहता यार, ये बात को समझो। आप लोग को ऐसा लगता है कि टोटल गेमिंग को बस थंबनेल में चिपका दो और उल्टे सीधे कुछ बोल दो, ये कर रहे हैं बुया निकाल रहे हैं तो व्यूज आ जाएंगे। व्यूज एक चीज है, प्रायोरिटी होता है सबका, ठीक है। जो भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, व्यूज हमेशा एक प्रायोरिटी पर रहता है, बट क्वालिटी भी तो देखो। ऐसा तो नहीं है ऐसे ही मतलब पैसा डाल के जीत रहे हैं वो लोग, कि हैक करके जीत रहे हैं। क्या बातें कर रहे हो आप लोग, खुद की बातों को समझो। एंड आई थिंक ये मतलब ये जो अंडरडॉग और बड़े लोगों का ये जो आप लोग बहुत आसानी से अपने ऊपर पेंट कर लेते हो ना, ये करना छोड़ो। कि टोटल गेमिंग के जो प्लेयर्स है ना, ये भी एक टाइम पे अंडरडॉग्स थे। किन लोगों को पता है ड्रेगो रेवोल्यूशन में खेलता था? बहुत कम लोगों को पता है कि ड्रेगो का क्या हिस्ट्री था, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता है डिलीट का क्या हिस्ट्री था। हेक्स नाम के एक टीम में खेलता था वो, वहां से वो यहाँ पे आया है। माफिया भी हेक्स नाम की एक टीम से खेलता था, स्नैपड्रैगन के पहले सीजन में उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। माफियाज भी एक छोटी सी टीम थी, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, फिर ही तो आए, फिर ही तो लाइमलाइट में आए हैं। सब लोग जीरो से शुरू करते हैं फिर ही हीरो बनते हैं यार। तो ऑब्वियसली बात है जो भी अंडरडॉग्स यहाँ पे अच्छा खेले, जो भी अंडररेटेड टीम्स है, मैंने कितनी बार बोला है कि ये कैप्टन्स की जो निवेश की लाइनअप है कितना अच्छा खेलते थे, मैं हमेशा इनके साथ रहा हूँ। जाके पूछ लेना अगर नहीं याद है आप लोगों को, अगर नहीं पता है आप लोगों को, रेवेनेंट से पूछना, ये वाइपर से, ये आसिम से। आई थिंक आप लोगों के मन में ना अभी बस यही चल रहा है कि ये मैंने बोला ना कि बहुत आसान होता है ना अपने ऊपर ये पेंट करके डाल देना कि यार TG है तो चलेगा, बाकी कोई है तो नहीं चलेगा। मतलब बाकी को TG है तो मतलब कैसे भी करके मतलब वो करना है, क्रिटिसाइज करना है बस। यही मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज ये थॉट को हटाओ, दिमाग से हटाओ कि वो TG है, ठीक है। एक बार उनको बिना TG के नाम से देख लो, फिर देखो, ठीक है। एज अ फ्री फायर लवर उन्होंने अच्छा खेला है कुछ चीज को तो मैं जरूर से अप्रिशिएट करूंगा, मैं हर उसको अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है। वो TG है तो मैं ऐसा कुछ नहीं कि TG है तो अप्रिशिएट करूंगा, हर टूर्नामेंट में वो अच्छा कर रहा है, ठीक है। वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप जीता उन्होंने आई थिंक फ्री फायर प्रो लीग में काफी अच्छा खेला, वो सीधा भी गए हैं फाइनल्स में, ठीक है। रेवेनेंट ने अच्छा खेला, रेवेनेंट के बारे में वीडियो बनाया, ठीक है। KM ब्रदरहुड ने अच्छा खेला, KM ब्रदरहुड के बारे में वीडियो बनाया मैंने। देसी गेमर्स ने उस सिचुएशन में फेल किया, मैंने बोला। मैं आप लोगों को बस यही एक सिंसियर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये स्पैम करना आप छोड़ दो कि ये TG है इसीलिए इसकी वीडियोस बन रही है।
अभी इस टाइम पे हर टूर्नामेंट में हर जगह पे उनका क्वालिटी दिख रहा है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, सो कोई भी टीम अगर उस जगह पे होती मैं उन पे जरूर से वीडियोस बनाता। मैंने हमेशा कहा है ना, मैं हर उस टीम के साथ हूँ जो अच्छा परफॉर्म करेगा, वो मैं नाम देख के नहीं करूँगा, प्लीज ये समझना। जितना जल्दी आप करोगे उतना अच्छा। एंड मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, 50% ऑफ द वीडियो मेरे लिए था, 50% ऑफ द वीडियो कम्युनिटी के लिए था, क्योंकि कम्युनिटी ऐसे नहीं ग्रो होता है। कम्युनिटी कब ग्रो होगा पता है कि जब साथ में चलेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं टीजी अच्छा खेल रही है, ओजी अच्छा खेल रही है, तो उनके बीच में चैट में लड़ाइयाँ चल रही हैं। क्यों यार, हम हमेशा कहते हैं से नो टू टॉक्सिसिटी, पॉजिटिव चीज़ें देखो। इतने सारे टूर्नामेंट्स हैं और गरीना ने इतना बड़ा रोड मैप अनाउंस किया, इसके बाद ही आपको इतने सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे, क्यों करना है ये? ठीक है, चिल करो, मजे करो, एनालाइज हम लोग साथ में मिलके कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कितनी चीजें सीखता हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग हो तो मैं हूँ, आप लोग नहीं हो तो मैं नहीं हूँ। एंड ये चीज मैं हमेशा कहता रहूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज दिख रहा है वो मैं ना बोलूं आप लोग। सो प्लीज चिल करो, एंड आई थिंक आई होप कि यहीं पे वीडियो को मैं खत्म करना चाहूंगा। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि चैट पे गाइस पॉजिटिविटी रखो, स्प्रेड सम हार्ट्स, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हो। आप लोग हमेशा से ये फ्री फायर कम्युनिटी में रहे हो, स्टार्टिंग से लेके आखिर तक, अभी तो बस शुरुआत हुआ है ग्रो करना ये कम्युनिटी, तो अभी अभी क्यों ये सब चालू हो रहा है अचानक से। तो प्लीज डोंट ब्रेक इन टू अ फाइट, बस यही बोलूंगा, पॉजिटिव चीजों पर फोकस करो। That should be it from my side. I hope कि आप लोगों को ये वीडियो में मजा आएगा। जरूर से आपने आप अपने अपने ओपिनियन जरूर से मुझे बताना, मैं जरूर से देखना चाहूंगा, क्योंकि ये कुछ थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल साइड में है, थोड़े बहुत व्यूज गेनिंग, आप लोगों से होता ना व्यूज गेनिंग टॉपिक है। तो जरूर से मैं मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि यार बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि हर जगह पे अभी टीजी दिख रही है, हर जगह पे वो जीत रहे हैं, और हर जगह पे हम कुछ कर रहे हैं तो हम पे ही बातें आ रही हैं, आरोपे लग रही हैं, जो कि बहुत सही नहीं है, मतलब आप खुद भी समझ सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।